क्रिकेट बोर्ड कप से पहले जालसाजों ने बनाकर तैयार कर दिया करोड़ों की ठगी का महाप्लान। पुलिस ने उठाया पर्दा तो पैरों तले खिसक गई जमीन। मामले के खुलासे के बाद बीसीसीआई, आईसीसी और क्रिकेट फैंस सब हैरान। शातिरों ने अपनी जेब भरने के लिए बना दिया ठगी का महाप्लान। 15 लाख लोगों को ठगने का था इरादा, टारगेट भी कर लिया गया था सेट। ठगों की टीम भी लगातार कर रही थी काम। 7 महीने पहले दर्ज हुई थी शिकायत और अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देखिए कौन है ये शातिर ठग और कैसे इनके प्लान का हुआ पर्दाफाश। इतनी हाईटेक टीम तो बीसीसीआई के पास नहीं जो इन ठगों के पास थी। 5 अक्टूबर से क्रिकेट का महापर्व शुरू होने वाला है और इस महापर्व का इंतजार लोग लंबे अरसे से कर रहे हैं। क्रिकेट फैन जहां अपनी पसंदीदा टीम को विश्व विजेता होते देखना चाहते हैं, तो वहीं तमाम देशों की टीमें तैयारियों में लगी हैं। खिलाड़ी मेहनत कर पसीना बहा रहे हैं और ठगी करने वाले जालसाजी का साथ ले रहे हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही जालसाजों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अब पुलिस ने ठगी के ऐसे हाईटेक खेल का पर्दाफाश किया है जो अगर न पकड़ा जाता तो न जाने कितने लोगों को निशाना बनाया जाता और न जाने कितने करोड़ को आरोपी डकार जाते और फरार हो जाते। खुलासे के बाद हंगामा तो मचा हुआ है ही, साथ ही जालसाजों ने हजारों करोड़ ठगने का जाल जो बिछाया था उसका खुलासा हुआ है, तब से अधिकारी भी हैरान हैं। महीनों पहले ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट और बैटिंग वेबसाइट और ऐप लॉन्च कर दिए गए थे। यूजर्स को इससे जोड़ना भी बदस्तूर जारी था। 15 लाख भारतीय इनके टारगेट एरिया में थे। इनसे 38,000 करोड़ रुपए कमाने की तैयारी थी। साइबर ठग इतनी बड़ी रकम की क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश से ट्रांसफर करने की में थे। इस मामले में कोई अरेस्टिंग नहीं हो सकी है, लेकिन 7 महीने पहले आगरा में दर्ज हुई एक एफआईआर ने इंटरनेशनल ठगों के मंसूबों को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। उस वक्त दर्ज मुकदमे में आंध्र प्रदेश से शेख करीमुल्ला, शेख मौलानी और टी सूर्य श्रीनिवास मनिकाटा को पकड़ा गया था। इस केस की विस्तृत जांच में इतने बड़े खुलासे तक टीम पहुंच गई। आगरा साइबर टीम ने 27 गेमिंग बैटिंग वेबसाइट और 7 ऐप को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो चीन, रूस, वियतनाम और फिलीपींस में बैठे आरोपी ओटीटी प्लेटफॉर्म का डाटा चुरा कर लोगों से फर्जी ऐप पर बैटिंग करवाते थे। क्या इंटरपोल की मदद जालसाजों को पकड़ने में ली जाएगी? इसके जवाब में पुलिस आयुक्त ने बताया कि हम इनकम टैक्स, जीएसटी और सेंट्रल एजेंसी की मदद लेंगे। करीब 7 महीने पहले आगरा के थाना शाहगंज में स्टार इंडिया कंपनी की तरफ से ब्लू आइकन इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज के हेमंत टंडन ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें आरोप लगाया था कि स्टार इंडिया कंपनी के अधिकृत लाइव कंटेंट, लाइव गेम थर्ड पार्टी ऐप के जरिए डाउनलोड किए जा रहे हैं। विदेश में लगे किसी सर्वर की मदद से ग्राहकों को दिखाए जाते हैं। ऐप के जरिए मैचों में सट्टा भी करवाया जाता है। ग्राहकों की सब्सक्रिप्शन राशि ऑनलाइन अलग अलग खातों में डिपॉजिट कराई जा रही है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीत दिंदर सिंह ने बताया कि साइबर सेल और आगरा पुलिस इस फर्जीवाड़े की तह में जाने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक गई। यहां से 3 लोगों को पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में इस पूरे सिंडिकेट का पता चला। मालूम हुआ कि ये पूरा खेल चीन, हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया से चलाया जा रहा है। चीन और हांगकांग में बैठे वेबसाइट और ऐप डेवलपर्स अपनी असली पहचान को छिपाकर अवैध रूप से स्पोर्ट्स बेस्ड ऐप और वेबसाइट चला रहे हैं। विदेश में बैठे महाठगों की असलियत सामने ना आए इसके लिए उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए थे। वो थर्ड पार्टी ऐप को किसी ऐसे देश के होस्ट सर्वर पर चलाते हैं जिस पर भारत का कंट्रोल नहीं होता। इन वेबसाइट पर ये क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग करते हैं। ये लोग फ्री या बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन रेट पर लाइव मैच दिखाने के नाम पर लोगों को अपने ऐप से जोड़ते हैं। जब लोग इनके ऐप या वेबसाइट पर जुड़ जाते हैं तो ये उन्हें सट्टेबाजी का विकल्प देते हैं। ये ठग ट्रांजेक्शन के जरिए अपने वास्तविक बैंक अकाउंट का प्रयोग नहीं करते बल्कि लोगों के खाते खुलवा कर उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बाकायदा वो खाता खुलवा कर उन्हें किराए पर लेते हैं। इसके लिए वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ऐड देते हैं। इसमें घर बैठे रुपए कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। बैंक खाता खोलने और खुलवाने पर 5 से 10 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। मल्टीमीडिया मार्केटिंग की तरह खाते खुलवाने की पूरी चेन चलती है। लोगों को लगता है कि बस खाता खुलवाने पर 10,000 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे में वो अपने परिचित और रिश्तेदारों के खाते खुलवाते रहते हैं। खाते खुलवाने का पूरा प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है। इसमें कई बड़े निजी बैंकों के खाते खुलवाए गए। खाते खुलवाने पर इंडिया से काम कर रहे एजेंट को ट्रांजेक्शन की 30% रकम दी जाती है, बाकी का 70% रकम विदेश चली जाती है। साइबर सेल ने बताया कि आम इंसान लालच में आकर खाता खुलवा लेता है, उसे पता भी नहीं होता कि 5 से 6 दिन में उसके खाते में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होने वाला है। जो लोग इनकी वेबसाइट पर बैटिंग करते हैं उन्हें ये इन खातों का यूपीआई कोड या स्कैनर देते हैं जिससे रकम सीधे खाते में जाती है। एक दिन में 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। ये लोग एक खाते को 4 से 5 दिन यूज करते हैं, उसके बाद से इस खाते की रकम निकाल कर दूसरे खाते का इस्तेमाल करते हैं। साइबर टीम ने बताया कि जांच में सामने आया कि अवैध गेमिंग और बैटिंग वेबसाइट के द्वारा लोगों को शुरुआत में फंसाने के लिए मुनाफा कराया जाता है। इसकी शुरुआत जून में हुए विश्व कप क्वालिफाई मैच से हुई थी। इन मैचों में बैटिंग करने वालों को यकीन दिलाया गया कि ये बहुत आसान और वो आसानी से मोटी रकम जीत सकते हैं जिससे कि वो आने वाले मैचों में मोटी रकम लगाएं।
जांच में टीम को ऐसा भी केस मिला कि जो 70 लाख रुपए गवा चुका था। साइबर सेल ने पूरे खेल को समझने के लिए इन बेटिंग वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिया। धीरे धीरे पूरे खेल से पर्दा उठता चला गया। जांच में साइबर सेल के द्वारा 6000 बैंक खातों को सीज करवाया गया। इसके अलावा 18000 वीपीए अकाउंट ब्लॉक किए गए। हर खाते में हर दिन 4 से 80 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। ऐसे में 6000 बैंक खातों से 1600 करोड़ रुपए क्रिप्टो या दूसरी करेंसी के जरिए विदेशों में निकाल लिए गए। ठगी का शिकार हुए लोगों ने सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के लोग हैं। इन लोगों ने वेबसाइट पर बेटिंग करने के लिए खाते में मोटी रकम जमा करवाई थी। ठगों के द्वारा एक वेबसाइट या ऐप पर 3000 करोड़ का बिजनेस होने पर उसे बंद कर दिया जाता है। जांच के बाद साइबर सेल ने जो 500 खाते बंद करवाए हैं, इनका इस्तेमाल विश्व कप के दौरान होना था। इसके अलावा 1400 से ज्यादा वीपीए अकाउंट भी ब्लॉक करवाए गए हैं। ब्लॉक की गई 27 वेबसाइट और ऐप के जरिए हर खाते में अनुमान के मुताबिक 25 से 27 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन होते थे। इस तरह 15 लाख से ज्यादा लोगों के 38000 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने से बचाया गया है। और जब से ये खुलासा हुआ है, तब से हर तरफ सनसनी का माहौल है और लोग हैरान हैं कि ठगी को अंजाम देने के लिए ठग इस हद तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।